आए दिन कृषि के क्षेत्र में नित नए प्रयोग हो रहे हैं। अब किसानों के लिए ड्रोन तकनीक आ गई है। इस तकनीक से किसान ड्रोन के माध्यम से दवाओं कीटनाशक छिड़काव कर सकेंगे। इससे मैनुअली तरीके से छिड़काव में होने वाली दवाओं के अपव्यय रुकेगा, साथ ही किसानों का जीवन भी सुरक्षित हो सकेगा। देश के अन्य प्रदेशों की तरह अब राजस्थान और अलवर में भी इस तकनीक का उपयोग शुरू होने जा रहा है। अभी तक किसान परंपरागत तरीके से खेती करते आ रहे हैं। का विमान ड्रोन है जिसकी कैपेसिटी 10 लीटर है। ये 10 लीटर पानी लेता है, इसमें दवाई ऐड होती है, ये उड़ता है और एक एकड़ 5 से 7 मिनट में स्प्रे करके आता है और इसमें 30% दवाई कम लगती है। चाहेंगे उनको हम ट्रेनिंग देंगे और ये क्या करेंगे कि खेतों में जाकर लोगों का स्प्रे करेंगे ताकि पानी बचे, दवाई बचे, समय बचे, एक्यूरेट तरीके से काम हो। और जो किसानों का जो सबसे बड़ा हेल्थ इश्यू है कि भारत में 58,000 किसान खेत में सांप के काटने से मरते हैं और करीब 4,00,000 लोग बीमार होते हैं जब वो दवाई को सूंघते हैं, तो मुझे लगता है वो भी मान हानि जो है, जो मानव की जो हानि हो रही है वो भी बचेगा और फसल में भी काम होगा। और ड्रोन के माध्यम से जब आप छिड़काव करते हैं तो 8% से 12% आपकी फसल भी ज़्यादा आती है, क्योंकि सीधा पत्ते पर पड़ता है, पत्ता साफ होगा तो उसका फोटोसिंथेसिस बेटर होगा, जब फोटोसिंथेसिस बेटर होगा वो सूर्य की रोशनी बेटर लेगा और जब सूर्य की रोशनी अच्छी लेगा तो प्लांट हेल्थ अच्छा होगा और यदि उसकी काया अच्छी होगी तो उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा। जितने विकसित देश हैं इसको यूज़ कर रहे हैं। भारत में अब इसका प्रयोग पिछले 2 सालों में बहुत ही एग्रेसिव तरीके से हुआ है और कई ऐसे राज्य जो कि साउथ के हैं, गुजरात के हैं, ये राज्य बहुत ही एग्रेसिव तरीके से इस टेक्नोलॉजी को। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर भी राजस्थान सरकार इसके ऊपर बहुत एग्रेसिव तरीके से काम कर रही है, जो कि किसानों को करीब 1,000 ड्रोन देने जा रही है और हर जगह स्प्रे करके दिखा रही है कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करा जाए।